हाय दिस इज विवेक गुप्ता, गुड मॉर्निंग। और फिर से वही बात है कि पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि नीट दोबारा हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो आई एम ए काउंसलर और मुझे नहीं पता ना कि क्या घपला होगा, तो मैं कैसे सपोर्ट कर दूं कि नीट दोबारा होना चाहिए या कैसे मैं बोलूँ नहीं होना चाहिए। और आपने जो दो चार जने कमेंट आते हैं यूट्यूब चैनल पर कि सर दोबारा होगा तो आपकी इनकम मर जाएगी, तो मैंने वही कहा कि बेटा दोबारा होगा तो भी जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो अपनी काउंसलिंग तो मेरे थ्रू ही कराएंगे ना। तो ये हो सकता है सेट ऑफ पीपल में चेंज, कि जिनकी फ़िलहाल हम काउंसलिंग कर रहे हैं 400 नंबर वाले की, उसके 500 आ जाएँ, 300 आ जाएँ, बट फिर भी उसको काउंसलिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो दोबारा नीट होगा तो जो काउंसलिंग लेट्स से 1 जुलाई से शुरू होनी है, शायद वो 1 अक्टूबर से होगी और क्या होगा। लेकिन कल NTA ने क्लियर कर दिया समथिंग वही जो मैं आपको पिछले हफ्ते 10 दिन से बोल रहा हूँ, या खासकर 5 तारीख के बाद से, कि देखिए बच्चों के 720 आना, एक ही सेंटर के आना, ये सब इत्तेफाक हो सकता है, बहुत हसीन इत्तेफाक हो सकता है। अगेन बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट, मेरे को पता है कि वो इकट्ठे कैसे आ सकते हैं अदर देन द चीटिंग। क्योंकि अगर आप फॉर्म बिल्कुल एक समय पे भरते हैं, एक कंप्यूटर पे बैठ के भरते हैं, कुछ दिनों बाद भरते हैं जानबूझ के, तो हो जाता है वो सेंटर इकट्ठा आ जाए, और वो कभी कभार स्ट्रेटजी के तहत किया जाता है। तो आप ना ये ब्लेम नहीं कर सकते ना कि चूँकि एक ही सेंटर के 6 बच्चों के आ गए तो चीटिंग हुई है, वो सेंटर की CCTV चेक कर लिया जाएगा अगर है तो, नहीं है तो भैया अल्लाह सेंटर वो लाइव पकड़े गए थे, कैसे साबित करोगे। शुरू से मैं कह रहा था द ओनली थिंग, ओनली पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज ग्रेस मार्क्स, वो बिल्कुल ठीक है। NTA ने वही चीज़ मानी है और उन्होंने कह दिया कि हम इंक्वायरी बिठा के ग्रेस मार्क कर देते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझिए, टोटल ग्रेस मार्क ही 1500 बच्चों को दिए गए थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था जो इस टॉपिक से रिलेटेड था। तो किसको मैं समझा रहा था कि मानो कि 1500 के 1500 बच्चे जीरो हो गए, वैसे है नहीं, ग्रेस मार्क तो अक्सर ऐसे दिए गए हैं कि 700 वाले के 718 हुए थे ना, टाइम का प्रपोर्शन करके, जैसे क्रिकेट में डकवर्थ लुईस सिस्टम चलता है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 1500 के 1500 जीरो हो जाते हैं, तो जो क्वालिफाई स्कोर 164 है ना, वो घट के 163 भी नहीं होगा, मतलब हो जाएगा, क्योंकि इतने बच्चे तो 164 वाले ही हैं ना। सिमिलरली जो गवर्नमेंट सीट है, जो 600 हम ब्रॉडली सोच रहे हैं कि 655 पे ऑल इंडिया कोटा आएगा, वो गिर के 654 ही होगा बस, क्योंकि हर नंबर पे इतने बच्चे होते हैं। तो कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला बाकी बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल सर, जो वो पहले 25 बच्चे होंगे, अगले 5, या वही बात है कि जिसको 718 मिले हैं उससे कम हो जाए तो 715 वाले का मौलाना आज़ाद मिलने का चांस बढ़ जाएगा, 712 वाले का, एंड आई टोटली एग्री एंड अप्रिशिएट, और शायद वही लोग ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। सिमिलरली जो बिल्कुल सरकारी कॉलेज मिस कर रहा होगा, 20-25 बच्चों के नीचे पढ़ रहा होगा, इन 1500 में से अगर 50-100 बच्चों के मार्क्स कम हो जाएंगे तो उसको सरकारी मिल जाएगी, और मिलनी ही चाहिए, मैं उसको मना भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वीडियो मैं बनाता हूँ जनरल पब्लिक के लिए, तो आप अगर 400 नंबर वाले हो, 300 नंबर वाले हो, 280 नंबर वाले हो, 8 लाख 9 लाख रैंक वाले हो, किसी की 6 लाख 50 हज़ार रैंक है, वो 1500 नीचे चले गए, तो भाई आपकी ऑल इंडिया रैंक ना 6 लाख 49 हज़ार ही रहेगी। तो जो कॉलेज आपको 6 लाख 50 हज़ार रैंक पे मिल रहा है, मोटा मोटी वही आपको 6 लाख 49 हज़ार में मिलेगा। फिर से मैंने कहूँ एवरी रैंक काउंट्स, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन बहुत बड़ा कोई रिजल्ट में चेंज आने वाला, आई थिंक सबसे बड़ा जो चेंज होगा वो यही होगा कि अगर बाकी ग्रेस मार्क्स में इनके कुछ रीलुक किया जाएगा तो इन लोगों के नंबर चेंज होंगे। और वो मैंने कहा जो किसी को भी ग्रेस मार्क के बदौलत तो 0 से 718 नहीं मिलेंगे ना, आई एम अज्यूमिंग कि वो यही हुआ होगा कि भाई 5-10 मिनट वेस्ट हुए होंगे, वो देखा होगा कि उसके बावजूद बच्चे के 690 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, तो प्रपोर्शन में उसके नंबर दे दिए। तो खासकर जो 718-19 वाले जो 2 केसेज हैं, वो तो अभी भी मेरे ख्याल से 700+ ही रहेंगे, पर चूँकि फिर भी कुछ चेंज होगा, तो जब भी रिजल्ट नहीं आता है तो ऑल इंडिया रैंक चेंज होगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर इनका जिंदाबाद है, जिस तरह इन्होंने 5 तारीख को रिजल्ट दिया था, शायद ये सब कर कुरा के 15 जून को या 20-22 जून को दोबारा से रिजल्ट आएगा, और शायद हमको बस इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि नीट स्कोर कार्ड चेंज करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, क्वालिफाई स्कोर हो सकता है आधा एक नंबर ऊपर नीचे हो जाए, और जिसकी वजह से ये हो सकता है कि कुछ बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हो जाएँ। सिमिलरली ये हो सकता है कि जो बिल्कुल मार्जिन पे था कि अपने ड्रीम कॉलेज से सिर्फ 4 रैंक से पीछे जा रहा था, उसको मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, बट कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स हम सबको नीट स्कोर कार्ड दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हमने क्लाइंट से कर करके एक, मैं हमेशा कहता हूँ, एक्सेल शीट बनाते हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ताकि काउंसलिंग में हेल्प हो सके, हम उन्हें गाइड कर सके जो हमारे फुल काउंसलिंग सर्विस से क्लाइंट बनते हैं।
हाँ मेरी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी कि वो सारे स्कोर कार्ड दोबारा डाउनलोड करके दोबारा उनके मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक वगैरह और परसेंटाइज को डालना पड़ेगा, पर यही बैकग्राउंड चेंजेस होने वाले हैं। इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाले। जो लोग री नीट का फिर कोई आया कि सर वो पॉलिटिशियन, देखिए भाई क्योंकि नीट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया तो फ़र्ज था कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, हर का कि ब्लेम करे कि सब कुछ मतलब बीजेपी ने करा। जिस तरह कल परसों में नया आ गया ना कि स्टॉक मार्केट में घपला किया गया 30 लाख करोड़ रुपये का फलाना ढिमकाना, और इसी को काउंटर करने के लिए महाराष्ट्र की बीजेपी भी कह रही है कि भैया पेपर दोबारा कराओ ताकि ऐसा ना लगे ना कि इट इज़ गवर्नमेंट वर्सेज अपोजिशन। पेपर के साथ तो कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने वही कहा कि जब सारे तथ्य सामने जाएंगे, और एनटीए ने बहुत तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब क्लियर कर दिया कि अदर देन द ग्रेस मार्क्स आप किसी और पॉइंट पर क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। एक सेंटर में कुछ बच्चे इकट्ठे बच्चों के 6 नंबर आ गए या 720 भी आ गए तो वी कैन नेवर चैलेंज ना अनलेस अंटिल वी हैव अ वेरी सॉलिड प्रूफ। तो फिर से री नीट नहीं होने वाला, उन 1500 बच्चों के अलावा कोई री चेकिंग नहीं होने वाली। उन 1500 में एक्चुअली अगर मार्क्स चेंज होंगे तो शायद दोबारा से स्कोर कार्ड आएगा, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक चेंज होगी एंड डेफिनेटली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एवरी रैंक मैटर्स। आई नो अ स्टूडेंट लास्ट ईयर जिसका एक रैंक से एक्चुअली कॉलेज छूट गया था सरकारी, तो वो सब होना ही चाहिए। अगर ग्रेस मार्क का लॉजिक अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, फेयर नहीं है, तो वो चेंज होना चाहिए, उसके हिसाब से इनको एक्शन लेना चाहिए। बट अदर देन दैट जो बच्चा 220 नंबर लाया, तो ब्रॉडली क्योंकि मैंने इतने बच्चों से बात की है जो मेरे फुल क्लाइंट बने हैं या पार्शल, सभी ने कहा सर पेपर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान था। मतलब जो हम पिछले 4 साल से कंपेयर करें, एक दिन फिजिक्स बहुत घुमाने वाला आ गया था, एक साल बायोलॉजी बड़ी घुमाने वाली आई थी, लास्ट ईयर केमिस्ट्री बड़ी घुमाने वाली आई थी, इस साल सब स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे, इसलिए सबके नंबर ज़्यादा आ गए। सो बुरा मत मानिए, जो बच्चा इस साल 250 लाया ना उसके लास्ट ईयर 180 ही आते। आप ये समझिए एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन में कि पेपर चूंकि आसान था तो कहीं जो होता ना कि आसान का पेपर मतलब ये होता है कि फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, फोर्स निकालो, सीधा फार्मूला बेस्ड, या बायोलॉजी में ऐसा दे दिया कि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आंसर करते जाओ। टफ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपका दिमाग लगे, थोड़ा इनसाइड आपको जाना पड़े कॉन्सेप्ट्स में, पेपर इन्होंने आसान दे दिया। वो मैं जनरली भी लोगों को कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं कि आसान पेपर इज़ नेवर गुड। मैंने को अलग से वीडियो बनाया था तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। फिलहाल इस न्यूज़ का बस पर्पज़ मैं ये समझाना चाहता था कि कुछ नहीं होने वाला, रीनीट नहीं होने वाला, तो जो उसको भी ड्रॉप करना है वो ड्रॉप कीजिए। रैंक्स 1500 से ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली। अगर 1500 के 1500 भी जीरो हो जाए तो आप 5,40,000 रैंक पे खड़े हो तो 5,39,000 या 5,38,500 भी तो पहुँचोगे ना, अगर 1500 के 1500 जीरो हो जाए या आपसे नीचे हो जाए, वो भी नहीं होने वाला। तो उसके हिसाब से बहुत उम्मीदें मत लगाइए, और जो आपके मार्क्स आ चुके हैं उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज फाइनल कीजिए गोइंग फॉरवर्ड, इस साल के लिए या अगले साल के ड्रॉप के लिए, या अब्रॉड में MBBS करने के लिए, या इंडिया में BDS, BMS, BHMS करने के लिए, या कोर्स चेंज करके साइकोलॉजी बायोटेक करने के लिए, या तो मैं हमेशा कहता हूँ एज ए करियर काउंसलर, कभी कभार वी ऑल्सो हैव टू लुक कि हमने बायोलॉजी ले ली थी। और होता है कभी मुझसे स्टूडेंट्स बात करते हैं एंड पीपल एक्चुअली गो फॉर मास कम्युनिकेशन, पीपल गो फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है जी 2 साल पहले ले ली थी कि दुनिया को देख के कि डॉक्टर बनना बड़ा लुक्रेटिव करियर है, लेकिन हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और हमारा बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हम बायोलॉजी से रिलेटेड ही करियर बनाएं ना, वी कैन एक्चुअली चेंज फ्रॉम मेडिकल साइंस कम्प्लीटली टू अ ह्यूमैनिटीज़ करियर और अ कॉमर्स करियर, वो सब भी सोचिए। यही मैं सबको सलाह देता हूँ। और अदर देन दी MBBS काउंसलिंग, आई एम ऑल्सो अ ग्रेट करियर काउंसलर एज पीपल से, एंड समटाइम पीपल जस्ट कम टू मी ओनली टू टेक करियर काउंसलिंग एडवाइस, वही जरूर नीड भी लिया था। और बिना नाम लिए बताऊँगा कि मेरे पास एक कॉल आया, 200 समथिंग नंबर थे, और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, उन्होंने ये पूछा कॉलेज मिलेंगे, कहते सर आप प्रैक्टिकली बताओ कि क्या हमें मेडिसिन करनी चाहिए, एंड वी हैड अ वेरी हेल्दी 30 मिनट करियर काउंसलिंग सेशन एंड लुकिंग एट चाइल्ड एक्चुअल इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली दे आर लीविंग द मेडिकल और MBBS करियर, दे आर लीविंग द कम्प्लीट साइंस फील्ड, एंड बच्चा कुछ और करने वाला है। ऑफ कोर्स वी टुक द हेल्प ऑफ अ साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑल्सो, एंड इट वॉज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन मी एंड द स्टूडेंट, एंड सब कुछ चेंज हो गया, विच इज कैन ऑल्सो बी द रियलिटी। ओके, सो एनी सच काइंड ऑफ हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प, कॉल अस ऑन 9643362320, बुक अ टाइम स्लॉट विद मी एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।